खबर जयपुर से है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गंगोरी हॉस्पिटल में सारे कर्मचारियों को तनख्वाह के नाम पर धोखा मिल रहा है। 2 महीने से ठेकेदार द्वारा तनख्वाह नहीं दी गई है। कुछ कर्मचारियों को तनख्वाह के 2,000 रुपए काटे जा रहे हैं। पहले 1 महीने काम करके 26 दिन का पैसा दिया जा रहा था, 4 छुट्टी भी दी जा रही थी और अभी ठेकेदारों की मनमानी देखने को मिल रही है। ठेकेदार 4 छुट्टी के पैसे काट रहा है। वहीं एमएस से बात की तो एमएस अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। एमएस का कहना है कि आप ठेकेदार से बात करो, ये मेरा काम नहीं है। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि सरकार कब नींद से जागती है और कब ऐसे लोगों पर नकेल कसती है। नमस्कार, मैं बाबू अंसारी और आप देख रहे हैं जनसेति न्यूज। आज हम लोग पहुंचे हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय गंगोरी हॉस्पिटल के अंदर, जहां पे बताया जा रहा है महिला कर्मचारियों के साथ शोषण किया जा रहा है, मानसिक तौर से परेशान भी किया जा रहा है और तो और इनके 2 महीने के तनख्वाह भी अटके हुए थे और तनख्वाह में से अब ये नया कानून लागू कर दिया है कि जिनके 6200 रुपये तनख्वाह थी उनको 4000, किसी को 4200, किसी को 4500 रुपये दिए जा रहा है। पहले का जो हिसाब था यहाँ पे 30 दिन के काम के 4 छुट्टी मिलते थे, उस पर 6200 रुपये मिलते थे, लेकिन वो छुट्टी उट्टी अब काटने के बाद अब यहाँ के जो कर्मचारी है, कर्मचारियों को किसी को 4000, किसी को 4200, किसी को 4500 रुपये इस तरीके से दिए जा रहा है। आखिर इसकी क्या वजह है, क्या नहीं वजह है? यहाँ पे जो कर्मचारी के जो अध्यक्ष हैं वो हमारे साथ मौजूद है, कमला जायसवाल जी, चलिए आए उससे मालूम करते हैं आखिर क्या वजह है, क्या नहीं वजह है। कमला जी, क्या मामला है? मामला ये है सर, यहाँ के जो ठेकेदार हैं इनके इतने सालों से छुट्टियाँ लागू थी, 4,064 रुपये मिलते थे और छुट्टियाँ 30 दिन काम कराया जाता था, 26 दिन की हाजिरी भरी जाती थी। अब इन्होंने नया कानून निकाला है कि आपकी 4 छुट्टियों के पैसे काट दिए जाएंगे और अधिकारियों का नाम ले रहा है। अब अधिकारियों से बात हुई है आलोक तिवारी जी से, तो वो ठेकेदार का नाम ले रहा है और इनको ये धमकी दी जा रही है कि आपको गेट से बाहर कर दिया जाएगा। अगर इनकी बात नहीं मानोगे तो तुमने आवाज उठाने का ये नतीजा है। अगर आवाज उठाते हैं तो ये गेट से बाहर, तो किस किस को करोगे गेट से बाहर, किस किस को करेंगे? और आज ये सारी लेडीजें गई हैं, तो एमएस सर ने ये कहा है कि तुम सबको बाहर निकाल दिया जाएगा, किस किस को बना बताओ आप। इस तरीके से आप देख रहे हैं इनके विरोध करने पे महिलाओं को धमकाया जा रहा है कि आपको हॉस्पिटल से बाहर कर दिया जाएगा, नौकरी से निकाल दिया जाएगा। हमारे पास और भी कई महिला हैं जिनको इस तरीके से धमकी दी गई है ठेकेदार द्वारा, एमएस द्वारा। क्या कहना चाहते हैं आप? एमएस बोला कि एमएनटी वालों को हटा देंगे, एमएस एमएनटी वालों को हटा देंगे। मेरे 4,400 कटे, 400 आए, मेरे 2,000 कट गए। इस तरीके से आप देख रहे हैं ये सारे गरीब तबके के लोग हैं, इनके विरोध करने के बावजूद, विरोध करते ही इनको डराया धमकाया जा रहा है कि तुम्हें नौकरी से निकाल दी जाएगी। हमारे साथ यहाँ पे और भी कई महिलाएं हैं, इनसे बात करते हैं। आप क्या काम करती हैं यहाँ? कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पे कार्यरत हूँ 1 साल से, एमएनडी में। 2 महीने से हम लोगों को सैलरी प्रोवाइड नहीं कराई जा रही है जी। आपके पास तनख्वाह मिला है? नहीं, 2 महीने से सैलरी नहीं आई है, सैलरी इशू है हम लोगों के साथ में। हम लोग आगे तक अपनी मतलब सुनवाई जो भी कर रहे हैं उसके लिए हमें कोई कंक्लूजन नहीं मिल रहा है, उसका कोई भी गुड फीडबैक नहीं, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है हम लोगों के पास में। कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पे कार्यरत हूँ एमएनडी में, निःशुल्क दवा योजना में। जैसे आपने सुना कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करती है, 2 महीने से इनको भी तनख्वाह नहीं दी गई है, आखिर इसकी वजह क्या है? सरकार द्वारा तो ठेकेदार को हर महीने के महीने इनके बिल पास किया जाता है, उसके बावजूद भी मजदूरों को तनख्वाह नहीं दिया जाता है। क्या गरीबों के साथ
हर जगह शोषण आखिर क्यों किया जाता है? सरकार आखिर ऐसे कर लोगों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करती है? अभी हमारे साथ और भी कई महिलाएं हैं, अभी मैं आपको बताऊं। हाँ, आखिर क्या हुआ है सर? भाई यहाँ पे 2 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है, और पहले छुट्टियां मिलती थी 4 छुट्टियां, वो भी नहीं मिल रही, अब वो भी मना कर रहे हैं, और हम काफी परेशान हो रहे हैं इस वजह से। सर अभी नहीं मिला है, 2 महीने कंप्लीट हो चुके हैं, अभी तनख्वाह नहीं मिली है। संतोष, जैसे आप देख रहे हैं कई लोगों को तनख्वाह मिल चुके हैं, पैसे काट के दिए गए हैं, कई लोगों को 2-2 महीने के तनख्वाह बाकी है। आखिर सरकार ऐसे लोगों पे कब अपना हंटर चलाएगी? देखने वाली बात है कि सरकारी संस्था सरकारी हॉस्पिटल में आखिर गरीब महिलाओं के साथ आखिर क्यों ऐसा होता है? आखिर करप्शन कब खत्म होगी ये हिंदुस्तान की? देखते रहिए जनसेतु न्यूज।